धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वनाश। आ रहा हूं न्याय के दो पैरों से अन्याय के दस सर कुचलने, आ रहा अधर्म का विध्वंस करने। क्या है माहिष्मती पर खतरा, किसकी हुई मौत, बाहुबली को क्यों लगा शौक? दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। तुम्हारी जननी और तुम्हारी जन्मभूमि दोनों तुम्हारा 25 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है महेंद्र बाहुबली। बाहुबली मूवी का ये डायलॉग फैंस आज तक नहीं भूल पाए हैं। फैंस इस इंतजार में है कि कब बाहुबली बड़े पर्दे पर एक बार फिर से आएगा और कब प्रभास बाहुबली के किरदार में दिखेंगे। इसके दो पार्ट्स के बाद फाइनली मेकर्स इसके तीसरे पार्ट को लेकर आ रहे हैं, जिसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से हो सकती है। दोस्तों, बाहुबली माहिष्मती के छोटे से गांव में अपने कुछ सैनिकों के साथ घूम रहा होता है। एक एक करके सभी जनता बाहुबली के सामने आ रही होती है और सभी अपनी अपनी परेशानियां बता रहे होते हैं। बाहुबली सभी की परेशानियों को सुनता है और फिर उसका समाधान भी देता है। एक औरत अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए बाहुबली के सामने आती है और उसे बाहुबली की गोद में देते हुए बोलती है, बाहुबली ये मेरा पुत्र है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसका नामकरण करो जिससे ये भी तुम्हारी तरह शूरवीर और पराक्रमी बन सके। और ये सुनकर बाहुबली मुस्कुराता है और उस बच्चे को प्यार से सहलाते हुए बोलता है, मैं इस बच्चे का नाम देवेंद्र रखता हूँ। बाहुबली के चारों तरफ खड़ी जनता बाहुबली के नाम का जय जयकार करने लगती है। इसी बीच एक आदमी भीड़ में से चलकर बाहुबली के पास आता है और उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है और मौका पाकर बाहुबली पर चाकू से वार कर देता है, लेकिन वो चाकू बाहुबली को छू भी नहीं पाती है। उससे पहले वो औरत जिसने अभी अभी उस बच्चे का नामकरण बाहुबली से करवाया था, वो बाहुबली और उस चाकू के बीच में आ जाती है और वो चाकू उसे लग जाती है। ये देखते ही बाहुबली चौंक जाता है और जल्दी से उस हमलावर का हाथ पकड़ लेता है, जो कि अपनी नाकामयाबी के डर से वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। बाहुबली उसे खींचता है और सभी के सामने उसे जमीन पर पटक देता है और अपने पैरों को उसके गले पर रख के खड़ा हो जाता है। वो अपनी गलती की माफी मांगने लगता है। बाहुबली तुरंत ही अपने सैनिकों को इशारा करता है और उसके सैनिक उस घायल औरत को उठाकर वहां से लेकर जाते हैं और फिर उसका इलाज करवाते हैं। उस औरत के जाने के बाद बाहुबली फिर से उस हमलावर की तरफ देखता है और उसको उसके कपड़े पकड़ के उठाते हुए बोलता है, क्यों किया तुमने हमला, किसने बोला था तुम्हें ये करने के लिए? वो हमलावर कुछ भी जवाब नहीं देता है। बाहुबली उसे अपने सैनिकों के हवाले करता है और वो सैनिक उसे अपने साथ लेकर महल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहुबली उस औरत को देखने के लिए उसके घर पहुंचता है जहां पर उसका इलाज चल रहा होता है, लेकिन ये देखकर बाहुबली को झटका लगता है कि वो औरत की मौत हो जाती है और बाहुबली उसके पास बैठे उस बच्चे को उठाता है और कहता है, अब से मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह पालूंगा, और उसे लेकर वापस महल आता है। बाहुबली के सैनिक उस हमलावर को बहुत मारते हैं, लेकिन वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होता और गहरे चोट और खून बहने की वजह से एक दिन उस हमलावर की भी मौत हो जाती है। बाहुबली उस बच्चे को एक राजकुमार की तरह पालते हैं और सारी सुख सुविधा देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो बच्चा जिसका नाम बाहुबली ने देवेंद्र रखा था, वो बड़ा होने लगता है। बाहुबली उसे सारे युद्ध कलाएं सिखा देता है, तलवारबाजी, घोड़सवारी और कुश्ती सब में वो निपुण हो जाता है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, कौन था वो हमलावर, क्या कनेक्शन है उसका इस बच्चे के साथ, देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड दोस्तों, ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।